हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी दिल से दिलेरी भाइयों। तो भाइयों, एजेंट को परेशान कर दिया इस वीडियो में। दो ऑडियो हो गए सर, आपको शर्म नहीं आती? फिर प्लस में दूसरी लड़की से को कॉफ़ी का ऑफर दिया है, कॉफ़ी और चाय का, वो भी डिस्कनेक्ट करके भाग गई। क्योंकि भाई ये लोग हमें परेशान करते हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि इनको रिटर्न में कुछ ना कुछ दें। तो हम जितना अच्छा इनको दे सकते हैं उतना देते हैं। तो हमारे सभी भाइयों, चिंता किसी को नहीं लेनी, हंसत रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, राजकुमार जी, हाँ जी, हेलो, बोलो मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया के भैया बोलो। भाई साहब, मैं बोलूंगा तो तब जब मुझे पता चलेगा। मैंने आपसे कुछ कहा भी था क्या? क्या कहा था बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप शो नहीं कर रहे हैं पेमेंट, मैं वो जानना चाह रहा हूँ सर। अरे क्या करोगे जान के, कौन बोल रहे हो सर? कैसी बात कर रहे थे आप तो सर, पता ही है ना सर। कौन बोल रहे हो मेरे भाई, मेरे भैया कौन? सर मैं दीपक बात कर रहा हूँ सर। दीपक? दीपक कहाँ से? एक्सिस बैंक से सर। किसको कॉल लगाया? कॉल किसको लगाया मेरे बड़े भाई? राजकुमार। राजकुमार, पहले बात हुई थी क्या अभी हमारी थोड़ी देर पहले? नहीं 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 हुई। तो फिर कोई सर, राजकुमार, राजकुमार बात कर रहे हो ना आप? हाँ राजकुमार, दूसरों की लड़कियों के जो है ना, लड़के देखी है तुमने? उनका सपनों का राजकुमार भी होगा। लड़की देखी है तुमने आज तक? अरे भाई साहब, तुम वो राजकुमार जी ने फॉरवर्ड कर रखा है कॉल। तो क्या हो गया, दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर रखा है? बातें करो यार, शर्म आती थोड़ी बहुत सर। शर्म ये क्या होता है भाई, ये क्या चीज है मेरे भाई? कैसे बातें कर रहे हो यार, ये शर्म क्या होती है मेरे भाई? सर सर करके बात कर रहा हूँ, राजकुमार पूछ रहा हूँ, राजकुमार बात करो, बता दो भाई साहब। मैं भी भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, मैंने कौन सा गाली दी थी यार? मैंने अभी तक बोला मेरे भैया भाई, मैंने तो गाली नहीं दी कोई, मैंने मैसेज भी नहीं करी। राजकुमार जी ने कॉल फॉरवर्ड कर रखी है। अरे यार दूसरे नंबर पे कर रखी है। जानते हो आप इनको? दूसरे नंबर पे कर रखी है मैंने अपने, मैंने अपने दूसरे नंबर पे कर रखी है। दिमाग का इस्तेमाल किया करो मेरे भाई, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। क्या दूसरे नंबर पे कर रखी है? दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर रखी है अपने। तुम जानते हो ना, तुम राजकुमार बात कर रहे हो? हाँ दूसरा नंबर फॉरवर्ड कर रखी है, जवाब दे तो रहा हूँ उस बात का। अच्छा तो क्या हुआ सर जी पेमेंट का? अच्छा कार्ड नंबर भी पता होगा फिर आपको, कार्ड नंबर कौन सा? कार्ड नंबर देखना पड़ेगा, बहुत सारे कार्ड है ना मेरे पास है, बहुत सारे कार्ड है मेरे पास, देखना पड़ेगा मेरे को। एक का भी तो बता दो सर। भाई साहब आप जैसे, मैं SBI वाले का बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा SBI का ये है। मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं, जैसे मैं आप बोल रहे हो इसका बता दो। एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सिस बैंक के भाई मेरे को ऐसे ध्यान नहीं, मल्टीपल कार्ड से ना मेरे पास, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ मल्टीपल कितने, आपको पता कितने पेमेंट किए आपने, कितना भी नहीं किए? मैंने कुछ ऐसी है, कुछ 40-50 लाख है मेरे ऊपर देने के लिए। हाँ जी 40-50 लाख रुपए देने हैं मुझे बैंक वालों। अरे बॉस मैं क्या कह रहा हूँ, आपने आपने जो है एक्सिस के आधे से ज्यादा कार्ड तो अपना मिनिमम क्लियर कर रखे हैं, ठीक है, बचे दो कार्ड हैं, उसी के रिकॉर्डिंग कॉल किया मैंने। आप बातें कैसी कर रहे हो, आप ये भी तो देखो सर। बातें कैसी कर रहा हूँ वही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसी कर रहा हूँ? हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि क्या हुआ पेमेंट का, क्यों तो नहीं कर रहे? तो पूछ रहा हूँ कि मैं कैसी कर रहा हूँ बातें, बातें मैं कैसी कर रहा हूँ। चलो एक काम करो ना सर, आपकी ड्यूटी कहाँ है अभी फिलहाल? ड्यूटी मैं एक रिकवरी एजेंसी में काम कर रहा हूँ, यहाँ आ जाओ भाई। हाँ जी रिकवरी एजेंसी में काम कर रहा हूँ। बॉस बताइए ना सर। हाँ लिख लो एड्रेस, लिख लो, बताओ। यहाँ संगम बिहार की साइड है, एड्रेस लिख लो यहाँ का, मेरे घर का हाउस नंबर 738। ड्यूटी कहाँ चल रही सर? हाँ वहीं पे ही है ना, उधर की साइड में, उधर आप एजेंसी का नाम कहके भी एसोसिएट है, किसी से भी पूछना बता देगा, आ जाना। वो तो मुझे पता है आप जल्दी, कोई आप पुलिस वाले ने फॉरवर्ड कर रखी राज जी ने, इतना तो सर। भाई साहब अब की आपने अगर इसी चीज पे दिमाग दौड़ाया ना, आपको आपका फॉरवर्ड का जवाब दे दिया कि भाई साहब मैंने अपने दूसरे नंबर पे कर रखी है, फिर वही चीज बोल रहे हो यार, क्या यार कब तक दिमाग लगाओगे, इतना ज्यादा लगाते हो भी। तो आप एक काम करो ना, आप अगर इतने सच्चे हो तो पहले ये बताओ, पहले मेरे को ये बताओ कि ये शर्म क्या होती है, मैंने क्या बात बोल दी जो शर्म आनी चाहिए, शर्म होती क्या है? हाँ जी
शर्म क्या होती है ये? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैंने कहा सर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। शर्म क्या होती है मुझे ये जानना है मेरे भाई, शर्म क्या होती है शर्म? आप एक काम करो ना सर जी, आपसे मिल लेता हूँ, आपके सामने बैठ के बात कर लेता हूँ आपसे। हाँ लाओ पहले एम्प्लॉय आईडी बता दो, मिलने से पहले मैं चेक कर लूँ वैलिड पर्सन है या नहीं, फिर मिल लूंगा। नहीं, आपने बोला ना, मैंने पूछा राजकुमार बात हाँ तो करूंगा वैलिड मैं, पर्सन मिल है लूंगी या नहीं डील पहले स्टार्ट पता करूंगा, कर ये क्या लेता मतलब अपना। बनता है यार? नहीं, ये क्या मतलब बनता है? मैंने कहा ना आप राजकुमार हो, आपने कहा मैं बहुत लड़कियों के दिल का राजकुमार हूँ। अरे ये क्या मतलब हाँ है सर? है यार, सच में मैंने हूँ। आपको, आपसे मैंने लड़की क्या देखी है पूछा तुमने? लड़की और आपने देखी है जवाब कभी? क्या दिया मुझे सर? लड़की देखी है कभी? नहीं, मैं वो तो जानना चाह रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ लड़की देखी है कभी? अरे सर मैं क्या जान, मैंने आपको लड़की का टॉपिक छेड़ा, अरे लड़की देखी है कभी तुमने, ये बताओ नहीं देखी सर यार। मैंने, नहीं देखी मैंने सर। अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल दूंगा फिर तुम बोलोगे सर आपने क्या बोल दिया, अब मैं तुमसे क्या नहीं देखी बोलूँ? सर, बताओ अब बोल ही तो नहीं आप सकता सर ना। मैं, नहीं आप आपका तो बताओ कुछ ना, ड्यूटी भाई कहाँ पे सिग्नल कर रहे हो आप? का भी नहीं कह आप ड्यूटी सकता कहाँ पे कर मैं। रहे हो सर? तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल आते हैं? टावर से हाँ नेटवर्क अच्छे से आ रहे नहीं आ रहा? अरे बिल्कुल आ रहे हैं सर। वाह क्या कहने, अच्छी बात है। चलो यार ऐसी स्थिति में भी आ रहे हैं। ड्यूटी यार लिख लो, एजेंसी का नाम लिख लो और एड्रेस लिख लो मेरे वहां के घर का, आ जाना बस, बता देना मेरे को एक बार, ठीक बताओ। है? हाउस नंबर 738, स्ट्रीट नंबर 4, हाँ इसे एजेंसी का नाम ही बता दो। चलो हाँ KKB एसोसिएट, जी, के KKB एसोसिएट। एसोसिएट्स, हाँ KKB एसोसिएट, अच्छा केकेबी एसोसिएट्स, हाँ एसोसिएट। अच्छा मतलब पुलिस वाले एजेंसी में आ गए। हाँ क्या करूँ, मतलब आजकल यार मेरे को जो है ना इंसेंटिव तगड़ा मिल रहा है। मेरे को बताया किसी ने कि DRA कर लो, DRA तो पहले ही कर लिया था, फिर पुलिस में चला गया था, फिर मेरे को यार सोचा यार इससे तगड़ा हेलो सर, इंसेंटिव कोई मिलेगा। दिक्कत नहीं सर जी, आप नहीं बता रहे, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई दिक्कत नहीं, हम सर, हम नहीं कल ना मेरे सर पे एड्रेस निकाल नारियल लेते हैं, गिर हम गया सर था जी तो बिल्कुल। बिला 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 धन्यवाद बिला। सर आपका, आपने इतनी बड़ी बातें कही, ठीक है कोई बात अरे नहीं सर। सुन तो लो, कहाँ जा रहे हो यार, टाइम पास हो जाएगा मेरा थोड़ा। कहाँ जा रहे हो भाई यार, तुम नाराज हो हमसे? सर हम क्यों नाराज होंगे, आपको, आपसे कुछ पूछ रहे हैं आप जवाब ही उल्टा दे रहे हो सर। उल्टा कहाँ दे रहा हूँ यार, लड़की तुमने देखी है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये गलत बात है। नहीं एक पता मैंने है, अभी अभी आपसे कार्ड की पेमेंट के लिए पूछा। थोड़ी देर पहले मेरी एक बंदे से बात हुई थी, हाँ तो मैंने उससे बोला, वो कह रहा भाई सर आपको चाहिए क्या? मैंने कहा रशियन चाहिए भाई, दिलवा दो। तो वो कहता सर आप मेरे से गलत गंदी बातें कर रहे हो। मैंने कहा भाई संभोग करना गलत है, तुम भी तो संभोग से पैदा हुए हो। फिर वो बेचारा भाग गया। अरे मैंने कहा भाई गलत बोला तो बता दो। तो भाई साहब आपसे जिस टॉपिक पे बात ही नहीं हो रही, उस टॉपिक का पूछने बताना क्यों आपने? अरे यार वो मुझसे कहता है कि भाई साहब गंदी बात है। मैंने कहा भाई संभोग गलत है, संभोग गलत है तो ये दुनिया जो चल रही है गलत तरीके से अरे चल तो रही है, सर तुम जो कैसे पैदा हो आप गए? खुद देखो ना, आप लॉजिक वाली बात ही नहीं कर रहे ना सर, तो वो तो बोले गए बंदे ऐसे। मैं लॉजिक वाली तो आपसे कर जब रहा पेमेंट का, था। सुनो मेरी बात, आप आपसे एक जब बात पेमेंट का बताओ, मुद्दा, आप एक बात बताओ, उसने मुझसे ये पूछा तुम्हें चाहिए क्या डायरेक्ट, तो भाई मेरे को जो चाहिए था मैंने बता दिया, रशियन चाहिए भाई साहब दिलवा दो। तो मैंने लॉजिकल तो अच्छा बात करी मेरे एक मिनट भाई। सर लाइन पे रहो, एक मिनट लाइन पे रहो सर, एक मिनट, एक मिनट हो लाइन तुमको पे रहिए। बुला दूं? हाँ बताइए, हाँ हेलो बताओ बताओ क्या बताऊं, क्या कह रहे थे, बताइए। क्या बोला, बोल रहा था ना यार रशियन, यार वो कह रहा संभोग गलत है। संभोग गलत कैसे है भाई, जिससे दुनिया चल रही है तुम पैदा हुआ वो गलत है? हाँ अच्छा अब बताओ कितनी गलत बात थी इसकी। आपको अपना नंबर पता है सर खुद का, क्या मेरा आपके मोबाइल नंबर, नंबर क्या है? मेरा नंबर यार मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, कोई भूल जाता हूँ बीच बीच में। मैं पता है बात SMS नहीं सर करता जी, हूँ, आपको पता बारह है ये जो सौ आप, ये जो आप, बारह ये जो सारी चीजें बारह पूछ रहे हो, मेरी सौ बात सुनो, मेरी बात बारह सुनो, मेरी बात। सौ 1299 पे कॉल करता हूँ, मैसेज आता है, मेरा नंबर आता है, उसमें लिखा हाँ हुआ, फिर उसके आपको, मैं नहीं, डाल आपको, लेता हूँ। आपको पता है ये रिकॉर्डिंग लाइन पे आप रिकॉर्ड होती सारी चीजें, आप रिकॉर्ड हो भी रही है? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो सर। रिकॉर्ड होके क्या होता है वैसे, मेरे को ये भी बता दो, हाँ रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है कोई बात उसका? नहीं, रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है आपको पता लग जाएगा आगे थोड़ी देर में, नहीं होता क्या उसका रिकॉर्ड होने के बाद, मत वो आपको तो पता बता लग जाएगा दो। सर, रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता है आपको पता लग जाएगा, ठीक अच्छा है सर जी? यार बता देना प्लीज ध्यान से, ठीक हाँ ठीक है, मैं ध्यान से बता दूंगा सर, ठीक है है। और पक्का दूसरे, बताओगे? और राजकुमार जी का नंबर मत उठाया करो, ठीक है? पक्का हाँ बताओगे? पक्का बताओगे? हाँ फिर से तुमने आप वेट राजकुमार जी करो, का वेट नंबर करो, मत उठाया मैं करो। सारी चीजें बताता हूँ आके, आप वेट कीजिए सर। पक्का? हाँ ओ मेरा भाई बताएगा आगे, ठीक है भाई मेरा एड्रेस पे आ जाना या मैं वहां पे आऊंगा पुराने वाले अरे पे। सर मुझे जहां आना होगा मैं वहां पे आता हूँ, यार तुम मैं भी वो तो बंदे, मैं क्या कहते रहो,
तुम कोई राजकुमार नहीं हो, ठीक है, फॉरवर्ड कर रखी उन्होंने, साफ लिखा आता है भाई साहब, इतना इतना पागल भाई कोई दूसरा है नहीं। अगर तुमने फिर से ये बात बोल दी ना तब तो मैं तुम्हें गाली दे दूंगा। हाँ फॉरवर्ड कर रखी है भाई साहब, क्या भाई दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर रही है गधे, वो बता दो थी कई बार, वो इसको बार बार पकड़े बैठा है। क्या कैसा कैसा कलेक्शन दिया रे, कराता नहीं नंबर कराता तो बता दो भाई, अपना नंबर तो बता दो, भूल जाता हूँ ना, क्या मैसेज नंबर है करके तुम्हारा, पता करना पड़ेगा, तुम्हारा नंबर क्या है ये तो बताओ, भूल जाता हूँ ना मैं, मैसेज करके पता बताओ करना पड़ेगा अपना, कोई मेरे को बात नहीं, यार याद आएगा, मेरे को यार एक डाउट हो रहा है। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद बोले बच्चे, ब्रिजेश मौर्या जी आवाज आ रही है, एक मिनट मैडम जरा होल्ड करना, ब्रिजेश जी आवाज आ रही है, हाँ जी मैडम आ रही है, पूरी पूरी आ रही है, प्रॉपर आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, बताइए जी। गुड आफ्टरनून, तनीना बात कर रही हूँ, आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ में, आपकी क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया है, 000000 कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है, पेमेंट क्यों नहीं हुआ है ब्रिजेश जी इसका, पेमेंट क्यों नहीं हुआ जी, क्या नाम है आपका, सॉरी क्या बोल रहे हो, क्या नाम है आपका, सलीना नाम है मेरा, सलीना जी, एजेंसी का नाम, सॉरी एजेंसी का नाम, एजेंसी का नाम क्या सर, आईसीआईसी के बिहाफ से बात कर रही हूँ मैं, आईसीआईसी ने किस मीडिएटर को ये केस दे रखा है वो जानना चाहता हूँ सर, वो इतना अथॉरिटी नहीं है आपको बताने की कौन से उसको, मेरे साथ चाय पियोगे जी, क्या बोल रहे, मेरे साथ चाय पियोगे, पेमेंट करिए आप पहले, चाय आप बाद में पी लीजिए, पहले पेमेंट करिए, दो चाय महीने से पेमेंट नहीं किया है आपने, मेरे साथ चाय पियोगे आप, पहले जो बात बोला जा रहा है उसके जवाब दीजिए ना, अभी हम आपकी बात नहीं कर रहे, मेरे साथ चाय पियोगे सर, ये 53,607 रुपए का पेमेंट आपका हुआ नहीं उसका बताइए, मेरे साथ चाय पियोगे, आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, हिंदी में क्या बोल रही है आपको, उर्दू में बोल दो सलीना, सर पेमेंट का बताएंगे आप, पेमेंट क्यों नहीं हुआ है 2 महीने, मेरे साथ चाय पियोगी, पेमेंट का बताइए, चाय बाद में पीजिए आप, मेरे साथ चाय पियोगी, पेमेंट क्यों नहीं हुआ वो बताइए, मेरे साथ चाय पियोगी, सर रिकॉर्डेड लाइन पे बात हो रही है ठीक है, मेरे साथ चाय पियोगी, सर आपको समझ में आ रहा है या नहीं मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मेरे साथ चाय नहीं पीनी तो कॉफी पी लेना, कॉफी पियोगी, पेमेंट करिए, चाय कॉफी बाद में पी, अरे कॉफी पहले पी लो, पेमेंट बाद में दे देंगे मैडम, और बताओ सलीना कैसी चिंता ले रही हो, ब्रिजेश जी पेमेंट का मुझे कंफर्मेशन बताइए, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है ये 2 महीने, मेरे साथ कॉफी पियोगी, प्रॉब्लम क्या है आपको वो बताइए मुझे, शादी नहीं हुई, लड़की पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेमेंट करिए पहले, अच्छा फिर पट जाओगी, सर ठीक से बात करने में क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है मुझे वो बताइए पहले, ठीक नाराज है ना मुझसे, मैंने केकेबी का सिलेबस जब करा था ना तो ठीक नाराज हो गया था, मैंने नए नए नियम डाले थे ना केकेबी के सिलेबस में, ऐसा है जब मैंने केकेबी का सिलेबस जो है ना उसको उसको क्या बोलते हैं यार रीराइट करा ना, मतलब दोबारा से लिखा उसको, तो उसमें नए नियम डाल दिए थे तो ठीक नाराज था मुझसे, सर आपको बात नहीं करनी है ना तो फिर कॉल उठाते रहिएगा ठीक है, तो प्यार करना है, दे नहीं रही हूँ प्यार करना है, एक मतलब लड़की पट जाए तो उसके साथ बात कर लूंगा, प्यार पटी नहीं, पेमेंट करिए आपको सर, टाइम पास के लिए कॉल नहीं किया गया है, क्रेडिट कार्ड का ना 2 महीने से पेमेंट हुआ नहीं है, चार्जेस अच्छा? लग रहे हैं आप, आपका पेमेंट नहीं कर रहे हो आप, 53,611 हो गया और आपको चाय और कॉफी पिलानी है, ये प्यार भरी बात है आपकी, कसम से दिल लूट लिया आपने मेरा एक इशारे पर, हेलो आप मुझे पेमेंट का बताइए, पेमेंट कभी तक होने वाला है, मैडम एक बात पूछी, क्या नाम बताया था अपना, सलीना नाम है मेरा, सलीना इतना प्यारा नाम है ना क्या बताऊँ मैं, तो सलीमा पूरा नाम क्या, सलीना, सलीना ही नाम है मेरा, पेमेंट का बताइए आप, अरे पापा का भी तो, आप? पापा का भी तो नाम पीछे लगा होगा वो तो बता दो, या बैंड का लगा होगा वो बता दो, कॉल रिसीव करते रहिए, प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं ना, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, ले तो लो, प्रॉपर रिस्पांस कर ले तो लो, दे रहा हूँ प्रॉपर रिस्पांस कर रहे हैं, बताइए मुझे, लो तो सही, दे तो रहा हूँ, वो तो अपने हाथों से, बाकी क्या बोल रहे हो, अपने हाथों से पिलाऊंगा, मुझे पेमेंट का बताइए सर, ये कुछ भी बातें मत करिए, रिकॉर्डेड लाइन पे बात हो रही है ठीक है, नहीं तो कॉल रख दीजिए, कुछ भी कहाँ कर रहा हूँ मैं क्या कहने वाला था,
क्या बोल रहे हो आप, बताइए रिकॉर्डेड लाइन पे। मैं बोलने वाला था, क्या बोलने वाला था यार, याद आ जाए याद आ जाए याद आ जाए, क्या बोलने वाला था। कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए ठीक है। अरे रुक तो जाओ, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी सलीना, क्या बोलने वाला था मैं भूल गया, चलो नई बात बोल देता हूँ। वो क्या है ना, अभी अभी जो है ना, सुन तो लो वो क्या है ना, अभी जो, अरे सुन तो लो अब मेरी प्रॉब्लम नहीं सुन रही। वो क्या है ना, वही पूछ रही हूँ ना कभी से वो, अरे यार तू क्यों खड़ा हो रहा है, तू लेट जा। हाँ तो वो प्रॉब्लम ऐसे है, मेरे पैसे ना अभी घूमने गए हुए हैं दूसरे देश में। कॉल उठाते रहिए ठीक है, कीमती समय देने के लिए। अरे सुन तो लो, मेरे पैसे घूमने गए हुए हैं ना, वो अभी नाराज से चल रहे हैं अभी। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।